हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसी की जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे कुछ स्टडी टिप्स शेयर करूं जो मैंने भी खुद अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पर अप्लाई की थी। एंड आई एम श्योर अगर आप ये टिप्स अप्लाई करते हो अपने एग्ज़ाम्स में तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्मार्ट स्टडी टिप्स। तो सबसे पहली स्मार्ट स्टडी टिप ये है कि अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानिए। स्टडी करने से पहले आपको आपका खुद का लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए। सभी की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है। किसी को विजुअल्स देखकर जल्दी समझ आता है तो किसी को एक या दो बार रीडिंग करने पर जल्दी से याद हो जाता है। तो अगर पढ़ने से पहले आप सबसे पहले अपनी लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करते हो या पहचान लेते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर सकते हो। लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आपका स्टडी टेबल मेंटेन करना है। मेक श्योर कि आप जहाँ भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो वो जगह नीट एंड क्लीन हो। आपके पढ़ाई से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी लगती हो जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक या गाइड, तो उसे आप सही से अपने स्टडी टेबल पर अरेंज कर लीजिए ताकि बीच बीच में आपको उठना ना पड़े और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई करते वक्त ये होती है कि आपको आपका स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। अब सवाल ये है कि हाउ टू मैनेज स्टडी स्ट्रेस। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको कंटिन्यूस आवर्स बैठकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूजुअली कंटिन्यूस स्टडी से आप मेंटली वीक हो जाओगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पढ़ाई में स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी टेबल को हमेशा साफ रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मन की शांति को बढ़ावा देगा और स्ट्रेस को रोकने में मदद करेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप घर के इस हिस्से की नियमित रूप से सफाई करें। हमारी नेक्स्ट स्टडी टिप ये है कि आपको आपकी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कितने भी ट्यूशन से क्लासेस क्यों ना लगा लो, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हैं और बिना किसी मदद के कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आप में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और शायद इसीलिए ही सेल्फ स्टडी को सबसे इफेक्टिव स्टडी माना जाता है। हमारी नेक्स्ट स्टडी टिप है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपको बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स लेने चाहिए। आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करते समय बीच बीच में रिलैक्स ज़रूर करें। ये करने से आपने जो पढ़ा है वो जल्दी याद रह जाता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगता है और जो पढ़ा होता है वो हम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए बीच में ब्रेक ज़रूर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरों की हेल्प लेना ना भूलें। हर कोई हर सब्जेक्ट में होशियार नहीं होता, तो अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता हो तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हम अपने ही सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत कर लेते हैं। अगर हम शर्माएंगे तो वह सब्जेक्ट को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम पर कंफ्यूजन होगी। इसीलिए अगर आपको पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो आप दूसरों से पूछना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स। अगर आप इन स्टडी टिप्स को आपकी डेली स्टडी रूटीन में सिंसियरली अप्लाई करते हो तो आपको पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे अपने वीडियोस हिंदी में बनाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश में वीडियोस नहीं समझ आ रहे थे। इसीलिए मैंने स्पेशली इस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और इस वीडियो में बताई गई स्टडी टिप्स पसंद आई हो। तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वंस अगेन काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।